हेलो एवरीवन कैसे हैं सब आप आई होप आप सब अच्छे हो मस्त हो और खुश हो गे. मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनो ने आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ दोस्तों पिछले की कुछ वीडियो से हमने देखा आ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे प्रियम्बल सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप ये सिटीजनशिप क्या है और सिटीजनशिप के बारे में कौन से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं और सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 उसके तहत सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है और सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होती है इसके बारे में हम देखेंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस आर्टिकल फाइव टू 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीज़नशिप के बारे में क्या कहता है वो देखेंगे सिटीज़नशिप एक्ट 1955 फिफ्टी फाइव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में भी सिटीजनशिप एक्विजिशन के बारे में और टर्मिनेशन के बारे में दिए गए हैं जैसे बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप सिटीजनशिप का मतलब क्या है तो सिटीजनशिप द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड इन टू टू क्लासेस सिटीजन्स एंड एलियंस अ सिटीजन इज अ पर्सन हु एन्जॉयज फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलियंस हु डू नॉट एन्जॉय ऑल दीज राइट्स एंड सिटीजनशिप कैरीज विद इट सर्टन एडवेंटेज कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एलियंस डू नॉट एन्जॉय दीज एडवेंटेज सो दो तरह के कैटेगरीज होती है स्टेट जैसे डिवाइड करता है एक है सिटीजन्स एंड एलियंस डेफिनेटली सिटीजन्स जो प्रिविलेजेस और राइट्स एंजॉय कर सकता है वो एलियंस नहीं कर सकता अब कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन परमानेंट और कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इन इंडिया Uh, part 2 of the constitution describes classes of persons who would be deemed to be the citizens of india at the commencement of the constitution and leaves entire law in the hands of the parliament. parliament enacted the indian citizenship act 1955 and this act provides acquisition and termination of citizenship. those terms of jante ko baharat Mili 1947 may. तब भारत का पार्टीशन भी हुआ था और अलग पाकिस्तान नाम का एक स्टेट आया था तो पाकिस्तान से जो इंडिया में आए और इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से इंडिया में आ गए भारत में आ गए तो उनका स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप असरटेन करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं इसके पार्ट सेकेंड में आर्टिकल फाइव टू इलेवन में वो सिटीज़नशिप से डील करता है स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप ऑन 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को तब स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप क्या था द फॉलोइंगसन आर्टिक अंडर आर्टिकल फाइव टू एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन अब आर्टिकल फाइव क्या कहता है देखते हैं सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल आर्टिकल फाइव A person is entitled to citizenship by domicile if he fulfils the following two conditions. Firstly, he must at the commencement of the constitution have his domicile in the territory of India. Secondly, he was born in India. Either of his parents was born in India. He must have ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years before the commencement of the constitution. So, Article 5 is... वो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल के बारे में बताता है वो क्या कहता है कि पर्सन इज एंटाइटल टू सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल इफ़ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस उसको दो कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे फर्स्ट ही मस्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब उसका जो डोमिसाइल था उसका रेजिडेंस जो था वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में होना चाहिए सेकेंडली ही वॉज बॉर्न इन इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका जन्म जो है वो भारत में होना चाहिए आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया कोई भी उसके माता या पिता का जन्म भारत में होना चाहिए ही मस्ट हैव ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन फाइव ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले उसका जो रेसिडेंट uh, है ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कम से कम पाँच साल होना चाहिए तो ये था आर्टिकल फाइव जो कहता था सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल अगला है डोमिसाइल इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट देर आर टू क्लासेस ऑफ डोमिसाइल डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन अटैचेस टू द इंडिविजुअल एंड डोमिसाइल ऑफ चॉइस एक्वायर्ड बाय रेसिडेंस इन द टेरिटरी सब्जेक्ट टू डिस्टिंक्टिव लीगल सिस्टम अब दोस्तों डोमिसाइल और सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्टिंगशन ये है कि सिटीज़नशिप पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि हम इंडियन हैं हमारी नेशनलैलिटी इंडियन है हमारे सिटीजनशिप इंडियन है लेकिन डोमिसाइल जो है वो डोमिसाइल रेसिडेंट पर्पस के लिए अलग अलग स्टेट का डोमिसाइल होता है इन प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इन इंडिया आर्टिकल फाइव रिकग्नाइजेज ओनली वन डोमिसाइल दैट इज डोमिसाइल इन इंडिया इट डज नॉट रिकगनाइज द नोशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल एंड टू एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर डोमिसाइल रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड एंड इंटेंशन ऑफ अ पर्टुलर काइंड तो डोमिसाइल एसरटेन या डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक तो रेसिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड एंड इंटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सो दिस वाज़ द लैंडमार्क जजमेंट व्हिच वाज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगला प्रोविजन देखते हैं आर्टिकल सिक्स सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल सिक्स अब पाकिस्तान से जो माइग्रेंट हो के जो कुछ लोग आए इंडिया में उनका स्टेटस क्या था पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैव बिन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अब जैसे हम जानते हैं कि पार्टीशन हुआ इंडिया का बंटवारा हुआ तो एक चॉइस दी गई गई थी कि पाकिस्तान में अगर किसको जाना है तो जा सकते हैं और पाकिस्तान से इंडिया में आना है तो वो आ सकते हैं तो उस समय बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत भी आ गए तो उनका सिटीजनशिप का स्टेटस क्या है वो आर्टिकल सिक्स में दिया गया है Those who came to India before July 19, 1948, and those who came on or after July 19, 1948, Article 6 provides that a person who has migrated to India from Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the Constitution, that is, on 26 January 1950. If he or either of his parents or any of his grandparents were born in India, इन एडिशन एंड फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस अब जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनके लिए दो डेट्स दिए गए थे एक थी 19 जुलाई नाइनटीन फोर्टी उसके पहले या उसके बाद जो भारत में आ गए उनका भी स्टेटस रिकग्नाइज uh, किया गया अगला

रजिस्ट्रेशन uh, के लिए उनके पास वो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था दोस्तों हमने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो जो ऑफिसर्स थे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए तो उनके पास वो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था अगला आर्टिकल सेवन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल सेवन सिटीज़न बाय डोमिसाइल अंडर आर्टिकल फाइव और बाय माइग्रेशन अंडर आर्टिकल सिक्स सीजेस टू बी ए सिटीज़न इफ़ ही हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च फर्स्ट 1947 अब अगर अंडर आर्टिकल पाँच के तहत या आर्टिकल सिक्स के तहत उसको सिटीज़नशिप मिलता है जैसे वो 19 जुलाई 1940 फोर्टी सिक्स से पहले या 19 जुलाई 1946 के बाद इंडिया में आता है रजिस्ट्रेशन करता है उसको भारत का सिटीज़नशिप मिलता है तो उसका सिटीजनशिप जो है वो सीज हो जाता है अंडर आर्टिकल सेवन के तहत वो अगर वो एक मार्च 1947 के बाद फिर से पाकिस्तान चला जाता है इफ़ ही हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एन एक्सेप्शन इज़ हाउर मेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिटर्न टू इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ परमिट फॉर रीसेटलमेंट इन इंडिया इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है अगर कोई भी पर्सन एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है पाकिस्तान में उसको अगर लगता है कि नहीं मुझे फिर से भारत में आना है तो एक ही कंडीशन पे उसको वो सिटीज़नशिप वापस मिल सकता है अगर वो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट का प्रॉमिस करता है तो एंड दूसरी कंडीशन है इफ़ ही फुलफिल्स अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर जुलाई नाइनटीन सो अंडर आर्टिकल सिक्स ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन द सेम मैनर एज अ पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर जुलाई नाइनटीन नाइनटीन तो उन्नीस जुलाई नाइनटीन के बाद उसने सेम तरीके से उस रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया है सिटीजनशिप ऑफ पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया अब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं भारतीय मूल के लोग हैं जो बाहर रहते हैं तो उनका स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप क्या है वो हमें आर्टिकल एट बताता है एनी पर्सन आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ दोज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनका जन्म अगर भारत में हुआ है तो एंड हु इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमैटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज़ फॉर द टाइमिंग रिसाइडिंग एंड ऑन एप्लीकेशन डिप्लोमैटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव वेदर बिफोर और आफ्टर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब बाई द गवर्नमेंट अगर ऐसे कुछ लोग भारतीय मूल के हैं जिनके माता पिता का जन्म या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है और वो अगर बाहर रहते हैं तो वहाँ के जो डिप्लोमेटिक रिप्रजेंटि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए एप्लीकेशन करते करके कि वो टाइमिंग परपज़ के लिए वहाँ पर रह रहे हैं अगला प्रोविज़न है आर्टिकल नाइन प्रोवाइड्स दैट इफ़ अ पर्सन वॉल्टरिल्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरन स्टेट ही शाल नॉट बी एबल टू क्लेम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल फाइव सिक्स एंड एट अगर कोई भी व्यक्ति वॉल्टरि किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसको किसी भी हालत में भारत का सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल पाँच छः और आठ के तहत नहीं मिलेगा दोस्तों इट डील्स ओनली विथ वॉलेंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरन स्टेट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले अगर कोई भी पर्सन ने वॉल्टरि Uh, किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर किया है तो वो किसी भी हालत में उसको आर्टिकल पाँच छः या आठ के तहत इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा नेक्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल टेन प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ़ द फॉरगोइंग प्रोविजन शाल कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट तो इसके बारे में जो भी Uh, सारे राइट्स हैं वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं और वो uh, जो है पार्लियामेंट टाइम टू टाइम वो लॉज बनाएगा इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर पार्लियामेंट में टेक अवे द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन बट द राइट टू सिटीजनशिप गिवन अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन्स कैन ओनली बी टेकन अवे बाय एन एक्सप्रेस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट तो उसके तहत जो भी प्रोविजन्स है जो भी सारे लॉज बनाने के पावर है वो पार्लियामेंट को है अगला सो पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर गिवन टू इट अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पास सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसी के तहत पार्लियामेंट को जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस बनाने के तो उसके तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन का बनाया मेकिंग प्रोविजन फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है और सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फाइव वेज तो ये सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन जो है वो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किए जाते हैं उसके पाँच मोड्स दिए गए हैं बाय बर्थ बाय डिसेंट बाई रजिस्ट्रेशन बाई नेचुरलाइजेशन एंड इनकारटरी तो वन बाई वन इसको हम डिस्कस करते हैं सेक्शन टू भी बताता है कि इलीगल माइग्रेंट्स क्या है सो बीन्स अ फॉरिनर हुज एंटर्ड इन टू इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट और अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर अंडर एनी लॉ इन दैट बिहाफ और विदलिड पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time तो illegal migrant जो है वो एक तो without passport आता है और with passport आता है लेकिन वो जो time दिया है दिया गया है उसको उसके बाद भी वो रहता है उसको illegal migrant कहते हैं Section टू uh, sub clause e क्या कहता है Overseas citizen of India. अ पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन सेवन ए तो इस एक्ट का जो सेक्शन सेवन ए है उसके तहत जो पर्सन रजिस्टर्ड किया गया है बाहर उसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं अगला प्रोविजन है सिटीजनशिप बाय बर्थ सेक्शन थ्री अब ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन जो है सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव उसका सेक्शन थ्री जो है दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देखे आर्टिकल पाँच से ग्यारह तक अब ये सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव है और उसमें सेक्शंस हैं सेक्शन थ्री क्या कहता है एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी बट बिफोर फर्स्ट जुलाई नाइनटीन एटी सेवन किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइन्टीन फिफ्टी के बाद और बिफोर फर्स्ट जुलाई 1987 के पहले ऑन और आफ्टर फर्स्ट जुलाई 1987, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, थाउजेंड थ्री फर्स्ट जुलाई नाइनटीन से लेके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 तक एंड आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ या इसी पेरेंट्स कोई भी हो माता हो पिता हो जिनका जन्म भारत में हुआ है क्लॉज सी कहता है ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 थाउजेंड थ्री वेयर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी दोनों व्यक्ति अगर भारत के सिटीजन्स हैं और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ शाल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए आइदर ऑफ पेरेंट्स चाहे माता हो पिता हो उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो उस व्यक्ति को सिटीजनशिप बाय बर्थ अंडर सेक्शन थ्री ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 मिल सकता है दूसरा सेक्शन है अ पर्सन शाल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर हिज फादर और मदर पजेसेज सच इम्यूनिटी फ्रॉम सूट्स एंड लीगल प्रोसेस इज अकॉर्डेड टू एन एनवॉय ऑफ फॉरन सॉवरिन पावर एक्रेडिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही और शी एज द केस मे बी इज नॉट सिटीज़न ऑफ इंडिया और बी हिज़ फादर एंड मदर इज़ एन एनिमी एलिन इस किसी भी केस में अगर वो कंडीशन आती है तो उस पर्सन को वो सिटीजनशिप नहीं मिल सकता एक तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए और कोई भी उसके फादर हो या मदर हो वो एलिन एनीमी नहीं होने चाहिए नेक्स्ट प्रोविजन सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्शन फोर सिटीजनशिप एक्ट 1955 का अगला सेक्शन है सेक्शन फोर अ पर्सन आउटसाइड बॉर्न आउटसाइड इंडिया शाल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो कैसे है ऑन और आफ्टर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी बट बिफोर टेन ऑफ दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी टू इफ़ हिज़ फादर इज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इज़ बर्थ ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी से लेके टेन दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी टू तक अगर उसके फादर का सिटीजनशिप भारत का है तो, तो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है उस व्यक्ति को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है दूसरा कंडीशन है ऑन और आफ्टर टेन डे ऑफ डिसम्बर नाइनटीन नाइनटी टू इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ प्रोवाइडेड दैट इफ़ द फादर ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट ओनली मतलब आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स चाहे माता हो या पिता हो तो एक व्यक्ति भी अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो भी चल सकता है लेकिन यह एक प्रोविजो दिया गया है प्रोवाइडेड दैट इफ द फादर ऑफ़ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिस ओनली तो वो सिर्फ सेक्शन फोर के तहत सिटीजनशिप बाई डिसेंट उसको मिल सकता है दैट पर्सन शल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन वन ईयर ऑफ इट्स ऑकर्ंस तो उस व्यक्ति का जन्म जहाँ भारत के बाहर हुआ है तो एक साल के अंदर उसने वो जो इंडियन कौंसुलेट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि उसके माता या पिता का सिटीजनशिप भारत का है तो उसको भी वो सिटीजनशिप मिलना चाहिए आइदर ऑफ़ हिज पेरेंट्स इज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या दूसरा क्लॉज है उसके माता या पिता इंडियन गवर्नमेंट में सर्विस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ नेक्स्ट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन फाइव द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रंट हुज़ नॉट ऑलरेडी सच सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इफ़ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अब सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों के हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं और उस एप्लीकेशन पे विचार करके अथॉरिटीज हमें वो सिटीजन सिटीजनशिप देती है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेवन ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का सिटीजनशिप चाहिए तो रजिस्ट्रेशन के तहत तो उसको मिल सकता है लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले उसका जो रेसिडेंस है वो सात साल तक भारत में होना चाहिए ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे न्यूज़ में पढ़े हैं कि इस इस व्यक्ति को भारत का सिटीजनशिप मिल गया है तो वो रजिस्ट्रेशन के तहत है पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया दूसरे क्लॉज में अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहता है तो भी उसको मिल सकता है पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेवन ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति अगर भारत के लड़का या लड़की से शादी करता है तो उसको भी वो इंडियन सिटीजनशिप मिलता है प्रोवाइडेड उसने एप्लीकेशन करने से पहले सात साल यहाँ तक रेसिडेंस करना चाहिए माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिन माइनर्स के माता पिता सिटीजन्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के तहत ये सिटीजनशिप मिल सकता है नेक्स्ट अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर क्लाज ए ऑफ दिस सबसे पर्सन ऑफ फुल ऐज एंड कैपेसिटी हु आयदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड हैज़ बिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर वन ईयर इमीजिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन जो पर्सन है फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसको भी ये सिटीजनशिप मिल सकता है और पर्सन ऑफ फुल एजेंड कैपेसिटी हु आदर ऑफ़ हिज पेरेंट्स वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजनशिप है उसको भी ये मिल सकता है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया फॉर फाइव ईयर्स जिसने ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई uh, किया है पाँच साल के लिए एंड हु हैज़ बिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर टू ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले दो साल वो इंडिया में रहा है तो भी उसको ये सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकता है नेक्स्ट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सेक्शन सिक्स वेयर एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर इज मेड अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज क्वालिफाइड फॉर नेचुरलाइजेशन ग्रांट हीमो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन द क्वालिफिकेशन एज फॉलोज सेक्शन सिक्स ये दोस्तों हमें बताता है कि नेचुरलाइजेशन से हम सिटीज़नशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कुछ क्राइटेरियाज़ दिए गए हैं अगर वो क्राइटेरियाज हम फुलफिल करते हैं तो हमें ये सेक्शन सिक्स के तहत सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकता है अब इसके कंडीशंस क्या है ही मस्ट नॉट बिटीजन ऑफ अ कंट्री वी हर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्राम बिकमिंग सिटीजनशिप बाई नेचुरइजेशन तो वो उस कंट्री का नहीं होना चाहिए जहाँ पर इंडियन सिटीजन्स को प्रोहिबिट किया गया है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन एक्वायर करने के लिए दूसरा है ही हैज़ रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री अगर उसको सिटीजनशिप बाई नेचुरइजेशन चाहिए तो उसने वो दूसरे आ, कंट्री का सिटीजनशिप रिनाउंस करना चाहिए छोड़ना चाहिए

एप्लीकेशन करने से पहले उस सात साल में कभी भी एक साल या अगर वो गवर्नमेंट गर्व, सर्विस में है तो चार साल उसका रेसिडेंस यहाँ पे होना चाहिए अगला है ही मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस उसने वो ओथ ऑफ एलिगेंस लेना चाहिए ही इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर गुड कैरेक्टर होना चाहिए क्रिमिनल नहीं होना चाहिए ही हैज़ एन एडिकुएट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिकोगनाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लैंग्वेजेस रिकोगगनाइज किए हैं उस लैंग्वेजेस का उसको एडिक्युट नॉलेज होना चाहिए दैट आफ्टर नेचुरलाइजेशन बींग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया और टू सर्व अंडर द गवर्मेंट नेचुरलाइजेशन ग्रांट करने के बाद उसने इंडियन सर्विस में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए हाउ यूअर इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द एप्लीकेंट हैज रेंडर्ड डिस्टिंगविश सर्विस टू दॉज ऑफ साइंस फिलोसॉफी आर्ट लिटरेचर वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस इट मे वेव ऑल और एनी ऑफ दी अबो कंडीशंस फॉर नेचुरइजेशन इन हिज केस अब ये जो कंडीशन सब हमने देखे नेचुरलाइजेशन के तहत सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए वो सारे वेव हो सकते हैं गवर्नमेंट उसको वेव कर सकता है कब कर सकता है अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी फील्ड में साइंस फिलोसोफी, आर्ट लिटरेचर वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस तो आ, उसके लिए वो सारे कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट वेव कर सकता है जैसे हमने एग्जाम्पल देखा मदर टेरेसा का तो वर्ल्ड पीस में उनका योगदान था तो उनके लिए वो सारे कंडीशंस वेव किए गए नेक्स्ट प्रोविजन है सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फिफ्टी फाइव as we discuss the modes of acquisition of citizenship there are provisions regarding the termination of citizenship that how citizenship once we acquire uh, that is terminated by various ways and the citizenship act 1955 also lays down how the citizenship of india may be lost whether it was acquired under the citizenship act 1955 or prior to it now let's start uh, with the provisions regarding the termination of citizenship अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल पाँच से आठ तक और सिटीज़नशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव सेक्शन तीन से छः तक कैसे हमने सिटीज़नशिप एक्वायर करने के प्रोविजन देखे बाय बर्थ बाय डोमिसाइल बाय डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन तो ये तो हमने देखे लेकिन सिटीजनशिप कैसे ख़त्म हो सकती है हाउ सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड वो अब हम डिस्कस करते हैं रिनाउंशन ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन एट एंड इंडियन सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन रिनाउंस हिथ सिटीजनशिप बाई मेकिंग अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट एंड हैविंग इट रजिस्टर्ड बट इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज द रजिस्ट्रेशन शैल बी विदहेल्डिल सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट तो रिनाउंसेशन मतलब छोड़ना तो वो खुद अपना सिटीजनशिप छोड़ सकता है वेन अ मेल पर्सन रिनाउंसेज हि सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ हिस् सीजेस टू भी इंडियन सिटीजनशिप अगर कोई अडल्ट मेल उसका सिटीजनशिप रिनाउंस करता है छोड़ता है तो उनके जो माइनर हैं उनका भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है सच ए चाइल्ड में हाउ एवर रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप ही मेक्स अ डिकलेरेशन टू दैट इफेक्ट विद इन ए ईयर ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज दैट इज एटीन ईयर्स अगर वो जो माइनर चिल्ड्रंस थे उनका सिटीजनशिप उनके फादर की वजह से चला गया अगर वो उनको सिटीजनशिप चाहिए तो अठारह साल पूरे होने के एक साल पहले वो वैसे डिक्लेरेशन कर सकता है एप्लीकेशन कर सकता है कि उसको उसका सिटीजनशिप वापस चाहिए अगला मोड़ है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन नाइन इफ़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरीली एक्वायर्स दी सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ही शाल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया

एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई द रूल्स तो जो भी टाइम टू टाइम अथॉरिटीज रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स लेट डाउन करेगी तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए उसको उसका सिटीजनशिप वापस मिल सकता है अगला प्रोविजन है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप अब तक देखा हमने रिनाउंसेशन ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अब सिटीजनशिप कैसे डिप्राइव किया जाता है कैसे गवर्नमेंट छीन सकती है वो सेक्शन टेन में दिया गया है डिप्राइवेशन इज़ अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया बाई नेचुरशन रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल एंड रेसिडेंस में डिप्राइव्ड ऑफ हि सिटीजनशिप बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सिटीजनशिप छीन सकती है अगर आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिला है रजिस्ट्रेशन मिला है नेचुरलाइजेशन मिला है या बाय रजिस्ट्रेशन और रेसीडेंस मिला है तो वो सिटीज़नशिप गवर्नमेंट छीन सकती है कब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन वॉज ऑप्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कंसिलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन या सिटीजनशिप फ्रॉड से ऑप्टेन किया है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से ऑप्टेन किया है या कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट जो फैक्ट्स आपने बताना ज़रूरी था और वो बताए नहीं अगर वो बाद में गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट आपका सिटीजनशिप डिप्राइव कर सकती है अगला है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप ही हैज शोन हिमसेल्फ बाय एक्ट और स्पीच टू बी डिसलॉयल और डिसफेक्शनेट टूवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिसलॉयल है या डिसफेक्शनेट है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सिटीजनशिप छीन सकती है ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया में बी एंगेज ही वॉज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी समझो अगर किसी पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा युद्ध चल रहा है वॉर चल रहा है और उसने उस मुल्क के साथ कोई व्यापार किया या कम्युनिकेशन किया तो भी आ, उसका सिटीजनशिप गवर्नमेंट छीन सकती है विद इन फाइव ईयर्स ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हीज़ बिन सेंटेंस टू टू ईयर्स ऑफ एम्प्रिजनमेंट उसका रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के तहत सिटीजनशिप मिलने के बाद उसको अगर दो साल की सजा हुई तो भी उसका सिटीजनशिप जा सकता है ही हैज़ बिन ऑर्डीनरी डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर सेवन ईयर्स कंटिन्यूसली उसको सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर वो बाहर के भारत के बाहर रहा सात साल के लिए तो भी उसका सिटीजनशिप जा सकता है अगला है सो so, ये सारे प्रोविजंस दोस्तों हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे आर्टिकल फाइव से 11 तक कि कैसे सिटीज़नशिप हम एक्वायर कर सकते हैं और कैसे हमारा सिटीजनशिप जा सकता है इसके अलावा हमने सिटीज़नशिप एक्ट भी देखा 1955 उसमें भी हमने कुछ सेक्शंस देखे जैसे सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्स उसमें भी हमने देखा कि बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज के तहत कैसे सिटीज़नशिप मिल सकता है और बाय रिनाउंसेशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डिप्राइवेशन के तहत हमारे सिटीजनशिप कैसे वापस जा सकता है बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में जिसे हम सी भी कहते हैं जिसके बारे में दोस्तों भारत में बहुत बड़ा इशू हुआ चर्चा भी हुई इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं इन सबसेक्शन वन क्लॉज बी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड नेमली Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Entry into India Act. नाइनटीन टवेंटी और फ्राम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ द फॉरिनर्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द परपजेस ऑफ दिस सेक्शन फॉर दिस एक्ट सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर दो हजार चौदह के पहले जो भी लोग इंडिया में आए चाहे वो हिंदू हो सिख हो बुद्धिस्ट हो जैन पारसी और क्रिश्चन कम्यूनिटी के हों अब वो कहाँ से आए फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान और उनके लिए कुछ छूट दी गई थी गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग सेक्शन थ्री ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 तो उनको इलीगल माइग्रेंट दोस्तों नहीं कहा जाएगा नेक्स्ट तो इसके बारे में हमने आ, बहुत ये जो प्रोविजंस था तो ये हमने देखा नेक्स्ट सिक्स बी इसका कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन ऑर्डिन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू अ पर्सन रेफर टू इन द प्रोविजो ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन टू तो बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं बहुत सारे प्रोविजन्स दिए गए हैं अगर वो प्रोविजन्स फुलफिल किए जाते हैं तो गवर्नमेंट वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है अगला प्रोविजन देखते हैं प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शाल नॉट बी डिस्कवालीफाइड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप अंडर दिस सेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट इन दिस बिहाफ शाल नॉट रिजेक्ट एप्लीकेशन तो जो भी पर्सन एप्लीकेशन करता है तो उसको आ, एक कंडीशन है कि उसको डिसक्वालीफाइड नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए तभी वो पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है नेक्स्ट सेक्शन सेवन डी कहता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड सो जो ओवरसीज सिटीजन है अगर उन्होंने कोई प्रोविजंस वॉयलेट किए हैं कोई सी प्रोविजंस का भंग किया है तो उनके लिए भी वही प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन 18 uh, कहता है कि कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनर फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन अंडर सबसे सिक्स बी सो जो भी शेड्यूल्स दिए गए हैं इन थर्ड शेड्यूल टू द प्रिंसिपल एक्ट क्लॉज डी है और कुछ प्रोविजंस भी इसमें इंसर्ट किए गए हैं कि कैसे उनको कंप्लाई किया जाए नेक्स्ट तो दोस्तों ये कुछ प्रोविजंस थे सिटीजनशिप के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा सेलेंट फीचर्स में कि हमारा एक आ, बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल सिटीजनशिप तो इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी और जो भाईचारा है सॉलिडेरिटी है उसको कायम रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने डिलीबरेटली एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया है कि हम भारतीय नागरिक हैं ना हम पंजाबी हैं ना हम महाराष्ट्रियन हैं ना हम साउथ इंडियन हैं तो डोमिसाइल वो एक अलग पर्पस है लेकिन जहाँ नेशनलिटी की बात आती है तो हम पहले भारतीय हैं और लास्ट ब्रीथ तक हम भारतीय हैं तो दोस्तों ये कुछ प्रोविजंस थे सिटीजनशिप के सिटीजनशिप अगर देखा जाए तो प्रोविजंस में दिया गया है दो एक्ट दो पार्ट में दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और एक सिटीज़नशिप एक्ट 1955 है तो दोस्तों अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर गुड बाय